बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। जेडीयू और आरजेडी ने अपने अपने नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी के कुछ बड़े नेता दिल्ली आए। नीतीश से मीटिंग के बाद बोले विजय चौधरी, कल तक तो सब ठीक है, अभी यही सरकार रहेगी। लालू की बेटी पर केसी त्यागी का निशाना, पूछा कौन है रोहिणी आचार्य, बच्चों को बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। नीतीश के घर बैठक के बाद आरजेडी ने भी बुलाई मीटिंग। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर जुटे पार्टी के नेता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का निशाना, कहा बीजेपी फैला रही अफवाह, सरकार मजबूती के साथ कर रही काम। रोहिणी आचार्य की पोस्ट से गरमाई बिहार की सियासत। विधायक संजीव कुमार बोले नीतीश कुमार लेंगे बिहार के हित में फैसला। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। सूत्रों के मुताबिक रैली में नीतीश कुमार मोदी के साथ आ सकते हैं। नीतीश पर अटैक के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया डिलीट, कहा था हवाओं की तरह बदलते विचारधारा। रोहिणी के बयान की बिहार के मंत्री जमा खान ने की निंदा, कहा उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिहार की सियासी हलचल पर बोले गिरिराज सिंह, कहा नीतीश कुर्सी नहीं छोड़ सकते, लालू पुत्र मोह, ये खेल चलता रहेगा। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन छोड़कर नहीं जा रहे, वो हमारे साथ ही रहेंगे, संजय राउत का बयान। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने देखा हवा महल, जंतर मंतर पर एक दूसरे के मिले गले। गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट हैं मैक्रों। बुलंदशहर से प्रधानमंत्री मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा प्राण प्रतिष्ठा पूरी, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का वक्त। पीएम मोदी ने कहा पिछली सरकारों ने शासकों की तरह किया बर्ताव, समाज को बांटकर सत्ता पाई। बुलंदशहर सभा को चुनावी सभा बताए जाने पर बोले पीएम, कहा बीजेपी विकास का बिगुल फूंकती है और जनता मोदी के लिए। सीएम योगी ने पीएम के नेतृत्व को बताया एसेट, कहा 2014-2019 की तरह इस बार भी बड़ी जीत तय है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का राम राग, प्राण प्रतिष्ठा को बताया गर्व की बात, कहा जाति को नहीं मानते थे प्रभु राम। सीएम केजरीवाल ने कहा राम राज का मतलब सुख शांति का शासन, हम राम राज से प्रेरित होकर चला रहे सरकार। केजरीवाल के बयान पर बोले मंत्री गोपाल राय, सीएम ने भक्ति और सेवा साथ साथ करने की बात कही। दिल्ली में कल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की जूम मीटिंग होगी, 31 जनवरी को मिलेंगे फिजिकली। महाविकास अघाड़ी की बैठक में सीपीआई ने 2 सीटों पर ठोका दावा, कहा शिरडी और परभनी सीट पर है हमारा प्रभाव। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, मैरिट के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा। 30 जनवरी को फिर होगा महाविकास अघाड़ी की बैठक, आज की बैठक में सभी 48 सीटों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल से राहुल गांधी दिल्ली वापस लौटे, गणतंत्र दिवस के बाद फिर शुरू होगी न्याय यात्रा। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर निशाना, दोनों नफरत अन्याय और हिंसा फैला रहे, हम इसके खिलाफ खड़े होने आए। सीएम हेमंता ने कहा असम को अस्थिर करना चाहते थे राहुल गांधी, हम लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे अरेस्ट। यात्रा में राहुल गांधी के बॉडी डबल का इस्तेमाल, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा का आरोप। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पलटवार, सीएम हेमंता को जो करना है करें, हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। असम कांग्रेस चीफ भूपेन कुमार बोरा को जोरहाट पुलिस ने भेजा नोटिस, 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की अपील, इंडिया अलायंस की पार्टियों का उद्देश्य होना चाहिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बंगाल में अधीर रंजन की वजह से इंडी गठबंधन नहीं कर रहा काम, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। टीएमसी के साथ सीट विवाद पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, हम इसका समाधान ढूंढेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को किया संबोधित, कहा राम मंदिर का निर्माण होना न्याय प्रक्रिया में आस्था का प्रमाण। 31 लोगों को मिलेंगे जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। मराठा लीडर मनोज अरंगे को मुंबई पुलिस का नोटिस, प्रोटेस्ट के लिए नवी मुंबई के खारघर में दी गई जगह। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट का काम पूरा कर लिया है, चर्चा के लिए बुलाएंगे विधानसभा सत्र। 7 फरवरी तक शुरू होगा कोस्टल रोड फेज 1, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक तक है फेज 1। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। उधव गुट के नेता रविंद्र वायकर को ईडी ने तीसरी बार भेजा समन, सूत्रों के मुताबिक 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोर्स की झांकी की थीम होगी सक्षम सशक्त और आत्मनिर्भर, वायुसेना चीफ ने दी जानकारी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे पुलिस अलर्ट, अजमेर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया तलाशी अभियान। केंद्र द्वारा पंजाब की झांकी रिजेक्ट होने पर पंजाब सरकार का फैसला, झांकी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में दिखाएगी। अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय जवानों का जोश, गणतंत्र दिवस से पहले बीटिंग द रिट्रीट की रिहर्सल की। पुलवामा में तलाशी के दौरान संदिग्ध चीज बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। खन्ना में अग्निवीर अजय के परिवार से मिले सीएम मान, 1 करोड़ का चेक सौंपा, शहीद की बहन को दी जाएगी सरकारी नौकरी।
एमपी के उज्जैन में मूर्ति स्थापना को लेकर दो समुदाय भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने संभाले हालात। तेलंगाना के हैदराबाद में एसीबी का एक्शन, टीएसआरईआरए के सेक्रेटरी एस बालकृष्ण के ठिकानों पर छापे, 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बरामद। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 360 और निफ्टी 102 अंक लुढ़का।